Get be ready with the revision. So students, चालू हो जाइए. Now no discussion, beta. Waiting for the answer. The number of modes by which animal reproduce are 2, 3, 4. D, none of these. चलो answer मुझे मिल गया है 2. Okay. Second question. Binary fission is observed in किसमें होता है? Hydra, yeast, amoeba, human being. Binary fission. सब गलत लिख रहे हो, सब गलत लिख रहे हो. This answer is completely wrong. Binary fission. Surya, yes Sakshi. Sakshi. नो मैम, वो पहले से मैंने रेज हैंड किया था, सॉरी. ओके सूर्यांश. सूर्यांश मैम, वो चैतन्य एवरीवन मैसेज कर रहा है. चैतन्य, डू इट प्राइवेटली. ओके Yes Arham, the correct answer you have written. Now you have given the 2 answer, and that second answer is given by everyone. So binary fission, mother cell divides into 2 daughter cell. तुमने पढ़ा होगा. Asexual reproduction is observed in किसमें? Chaitanya, write in chat. Asexual reproduction in cow, buffalo, sponge or hen. Asexual reproduction. Now again you are giving the message to everyone. See your setting. It is sponge. Yes, great. Next question. In Hydra, the mode of reproduction is asexual, sexual, both A and B, none of these. Asexual, sexual, both A and B, and none of these. अच्छा, asexual, both A and B is correct. Next question: the animal that produce new young ones are called. Produce new young ones. Oviparous, viviparous, both, none of these. Oviparous. अच्छा, एक ही आंसर आया अभी तक मेरे पास. Viviparous. Okay. अब आ रहे हैं 2-3 आंसर. Yes, it is viviparous. Next question. The male gamete or sperm gametes of 3 parts, 2 parts, 4 parts, none of these. Male gamete or sperm gamete consist of. कितने parts में होता है male gamete? चलो, बहुत से answer आ रहे हैं इसमें, देखें. 3 parts. 3 parts कैसे होता है sperm में? आपने sperm का structure देखा है? Head, midpiece and tail. तो इसलिए 3 parts. Chaitanya, check your setting. Message is going to everyone. Next question. The ovum or eggs are formed in. The ovum and eggs are formed in. Okay. Ovary de rahe ho sab log. Yes. Next question. Internal fertilization takes place inside male, inside female, outside male. Okay. चलो, सबका आंसर आ गया है. गुड, वेरी गुड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन अ, ह्यूमंस पूछ रहा है ना, द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड टेक्स प्लेस इन अ ओवरी, ओविडक्ट, टेस्टिस, यूट्रस। शौर्य फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस तो टेस्टिस में कैसे होगा, इट इज यूट्रस। ठीक है, बच्चे कौन जन्म देता है, माँ जन्म देती है, एंड द टेस्टिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं शौर्य, प्लीज कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेल फॉर्म्ड। इसमें भी कंफ्यूजन होगा तुमको, एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट, एग। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, वो एम्ब्रियो। गैमीट से जाइगोट एंड जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। ठीक है, और गैमीट को आप क्या बोलते हो, एग भी बोलते हो। तो एग, देन जाइगोट, देन एम्ब्रियो एंड देन फीटस। हाँ चैतन्य, यस बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि मैम उसने पूछा है द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो मैम आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैम जाइगोट इज फॉर्म्ड, एंड जाइगोट व्हेन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट इज नोन एज जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड, जाइगोट इटसेल्फ इज फर्टिलाइज्ड। यस यस, तो सेल बनता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी को तो जाइगोट बोलते हैं शायद। जाइगोट फिर आगे फर्दर में जाता है, एम्ब्रियो बनता है। बट मैम दोनों सेल होते हैं ना, जाइगोट और एम्ब्रियो। दोनों सेल होते हैं, दोनों सेल होते हैं। तुम कंफ्यूज हो गए फिर तो। नहीं देखो, अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जाइगोट ये होता है जो फर्टिलाइज्ड होता है। तो जाइगोट क्या हुआ, जब एक्स और वाई ले लो आप, तो ये दोनों हो गए गैमीट्स। ठीक है, ये दोनों गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो ये बनाते हैं एक्स वाई। ठीक, ये होता है जाइगोट। अब जाइगोट के ऊपर सेल फॉर्म होता है, उस समय उसके ऊपर जो सेल फॉर्म होता है, सेल की लेयर जो बनती है, वो कहलाता है एम्ब्रियो। तो इसने बोला सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ध्यान से समझो, स्टेटमेंट्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। दोनों सेल, ये क्या है, यूनिसेल्यूलर से डबल सेलुलर हो जाता है, क्योंकि दोनों एग आ गया, दोनों एग फ्यूज हो गए और तुमको एक मिल गया सिंपल एग एक्स और वाई। इसके ऊपर दोबारा एक सेल की लेयर बनना, वो कहलाएगा एम्ब्रियो। Yes ma'am, thank you so much. अच्छा मुझे समझ में आया, the fusion of male and female gamete, that's known as zygote, and the cell form after, मतलब जो developed cell रहता है zygote का, so that's known as. Thank you for understanding, Chaitanya. Nice to be a student like you. Okay. चलो, तो अब हम इसके बाद next question में जाते हैं। Here you have next question. The fusion of sperm and ova usually occur in sperm and ova. कहाँ होता है? Very good. दो लोग ने दिया है, तीसरा, fourth, fifth. Oviduct. Ovary is not correct लक्ष्य. Ovary इसलिए correct नहीं है क्योंकि ovary का काम होता है egg बनाना। फ्यूजन एग नहीं बनाता, मतलब एग बन चुका है, अब फ्यूजन हो रहा है, तो ये होता है ओविडक्ट पे। अब दिस क्वेश्चन, चूज द सेट ऑफ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है। टू डिफरेंट आंसर्स मुझे मिल गए हैं, बट मेजॉरिटी इज ठीक है। यस, तुमने कैसे इसको कैच किया, क्योंकि इसमें ओविडक्ट है, इसमें एग है, इसमें यूट्रस है, ये स्पर्म कहां से आ गया? यस, तो दिस स्टेटमेंट इज सी इज रॉन्ग। नमन इज सेइंग बी इज रॉन्ग। बी कैसे रॉन्ग हो सकता है नमन, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज?
नमन, मेंस्ट्रुएशन इज रिलेटेड टू फीमेल बॉडी, एग इज रिलेटेड टू फीमेल बॉडी, ओविडक्ट इज रिलेटेड टू फीमेल बॉडी, यूट्रस इज अगेन रिलेटेड टू फीमेल बॉडी, तो ये सब कुछ फीमेल बॉडी से रिलेटेड है, मतलब ये करेक्ट है। ये आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पर्म इट्स रिलेटेड टू मेल बॉडी, ओविडक्ट, एग एंड यूट्रस अगेन इन फीमेल बॉडी, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। आपको बताना था चूज द सेट दैट हैज एन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग, ह्यूमन बींग, काउ, हेन। ये तो बहुत इजी है, सबका करेक्ट होगा मुझे पता है। यस, नेक्स्ट, अब ये भी बहुत इजी है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये भी सबका होगा, लगभग सभी का करेक्ट है ये, बट टू आंसर्स मिले मुझे अभी तक। ओके, यस, पेनिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, हेन इज द ऑड वन आउट, ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, हेन, क्यों अलग है वो, हेन को अलग क्यों रखा गया है। इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट ओविपेरस, विविपेरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज ओविपेरस, अंडे देकर बच्चे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, जो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, उनके बहुत ढेर सारे गैमेट्स होते हैं। पिक द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग, फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वॉटर टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, and water promotes production of large number of gametes. Good. 2-3 students ne answer mujhe de diya hai and they have the same answers. Very good, Lavanya. Yes, this is the correct answer. 17th. Which is not a viviparous? Human being, cow, dog, butterfly. Which is not a viviparous? Yes, butterfly. Budding occurs in, budding किस में होता है? Amoeba, dog, paramecium, yeast. चलो, ये भी सबने आंसर करेक्ट ही दिया मुझे। नेक्स्ट, ये भी इजी है, द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, फीमेल गैमीट, यस, ओवा, द मेल गैमीट, मेल गैमीट, यस यस, ग्रेट। चलो जल्दी, 5 मिनट्स के अंदर फटाफट, 5 मिनट्स। सी, दिस इज यू जस्ट रीड, दिस इज 10th Testis and Dolly, it is not coming completely. तो याद रखो, 10th is Testis and here is Dolly.
मोक्ष, लावण्या, यस मैम टेंथ क्या था? टेंथ हियर इज डॉली और ऑप्शन के नीचे वेट 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 अब दिख रहा है? हाँ 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 ठीक हाँ दिख रहा है ना मैम ऊपर कर दो ना अब हो गया फर्स्ट So B, A, E, C, D. Chaitanya, your is correct, wrong. Lavanya, B, A, E, C, D, G, H, I, J, F. Correct. A, E, C, D, G. Lavanya is correct. C, D, G, H. Moksh is correct. Yes, Chaitanya. Ma'am, please show the next question, please. Okay. चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डैश इज द प्रोसेस दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डैश इज द सेल्स इन्वॉल्व इन सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फर्स्ट वाला लिखा है आप लोगों ने आंसर मुझे दिया है रिप्रोडक्शन ओके सेकेंड वाला स्पर्म एंड ओवा गैमिट्स स्पर्म एंड ओवा इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड गुड फोर्थ द एनिमल्स विच गिव बर्थ बेटा फिलप्स में ना आप लोग लिखो नंबर so that I get not confused. Viviparous, the process of fusion of gametes. This is fertilization. Yes, Chaitanya. Now you have sixth and seventh. Okay. The contraction of the muscles. Due to the contraction of muscles, you feel pain. Contraction of muscles. Is that clear? Sixth. Sexual, good. Seventh, sperm. Chalo, sperms are dash in size. Sperm is a dash cell. Okay, tiny, small, chalega. Single, yes, good.
टेंथ यस मोक्ष करेक्ट टेंथ यस गुड चैतन्य ने आंसर दे दिया मुझे टेंथ का आई वॉन्ट फ्रॉम अदर्स नेक्स्ट इलेवेंथ चैतन्य लक्ष्य गिवेन द आंसर ओके लावण्या गुड नमन ऑल्सो गिवेन द आंसर इलेवेंथ द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट्स कॉल्ड यस गुड एन ओवा और एग इज कॉल्ड यस सिंगल वेरी गुड एवरी वन थर्टींथ क्वेश्चन डैश इज अ फर्टिलाइज्ड एग थर्टींथ डैश इज अ फर्टिलाइज्ड एग लावण्या लक्ष्य वेरी गुड चैतन्य जाइगोट नमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड Yes, very good. 15th. Babies born through dash technique are called. Yes, very good. Very good, Chaitanya Moksh. That is vitro, not vitio. Vitio nahi hota hai, vitro. In vitro fertilization. 16th, fertilization takes place outside the female body. Fertilization takes place outside the female body. Yes, external. Fertilization results in the formation of dash and dash. This is 17th is zygote and embryo. 18th. All living organisms have the power to. They have the power to. Yes, sir. Chaitanya, good. Moksh, very good. Sub living organism ke paas power rehta produce karne ka. Dash produces sperm in male. Good, Chaitanya. Kaha gayi speed? Where are others? ठीक है लक्ष्य लावण्या मोक्ष यस टेस्टिस 20 इन रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड नहीं सूर्यांश इट इज रॉन्ग एसेक्सुअल ट्रू फॉल्स जाइगोट इज एन अनफर्टिलाइज्ड एग Okay, false. Second, external fertilization occur in frog. False. ठीक है, second वाला. Yes, true. An embryo is made up of multicellular. Embryo is made up of multicellular. True. अभी समझाया था चैतन्य तुम फिर घूम फिर के वही गलती कर रहे हो एम्ब्रियो है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है पहले क्वेश्चन में सब गलती कर रहे थे अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग लक्ष्य सिंह फॉल्स चैतन्य फॉल्स चलो यस फॉल्स अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन फर्टिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू यस मोक्ष चैतन्य गुड सूर्यांश लक्ष्य लावण्य जैनम सिक्स्थ ईच स्पर्म इज मल्टी सेलुलर
Okay, false. Seventh, a new young one is developed from a single cell gamete. Okay, false. Cloning is a sexual reproduction method in any living organism. False. Viviparous animals give birth to young ones. Okay, true. Male gametes are sperms. Female gametes are ovum. 11th. Female gametes are ovum. Yes. Starfish reproduces by external fertilization. Starfish. Okay. Two individuals are needed for sexual reproduction. Yes, very good. True. Internal fertilizations occur in dogs and cats. Fourteenth. Very good. An embryo grows in uterus. Yes, it's true. So here your test is over. Pura, kisi ko koi doubt? Anyone want to ask anything? Haji, boliye. मैम मैंने आई वांट टू शेयर थ्री थिंग्स मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने मैम मैंने गलत आंसर दिया मैम उसको सही लिख रहा था बट कीबोर्ड टाइपिंग जो मतलब ट्रू फॉल्स था ना उसमें मैम मैं मतलब सही आंसर लिख रहा था गलती से कुछ फॉल्स है गलत आंसर पे क्लिक हो गया था अच्छा और दूसरी चीज मैम जो मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं मैं इन विट्रो ही लिखा था वो टाइप कर रहा था ना जल्दी जल्दी तो गलत स्पेलिंग कोई नहीं होता है होता है होता है तो मैम उनको हर्मोफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं ना यस जिसमें दोनों रहते हैं मेल एंड फीमेल सेक्सेस हाँ और मैम एक और एक चीज आई वांट टू शेयर मैम कुछ एनिमल जैसे कुछ कुछ प्रकार की लिजर्ड वगैरह वो मैम उनको ना क्या बोलते हैं कुछ फर्टिलाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती उन लोग अपने आप मतलब उनका बच्चा अपने आप ही हो जाता है अच्छा ये मुझे नहीं पता था ओके थैंक यू सो मच चैतन्य फॉर दिस अमेजिंग फैक्ट ओके नाउ लक्ष्य embryo grows in fetus na mujhe kuch samajh nahi aaya yaar laksh fir se boliye zara ma'am true false last question it was network, written that embryo grows in uterus ha ha bolo ma'am I'm writing in chat section okay I'm writing in chat section ha ha Embryo grows up into fetus, huh? सबसे पहले गैमीट होता है बेटा उसके बाद फिर होता है zygote, then embryo, and then fetus. So, now your class is over. You can leave the class.